क्यों ना बनाऊं भाई, मैं सनातन का हूँ, सनातन मेरा है, मैंने वो किया है, मैं उसको कंधा हूँ, क्यों ना करूँ सनातन की, वो क्यों निंदा करूँ मैं सनातन की। गुरु जी को अगर कहा जाता है कि ढोंगी हैं, प्रपंची हैं, छलियां हैं, धूर्त हैं, गद्दार हैं, अगर ये कहा जाता है तो उनके सामने आकर के दूध का दूध पानी का पानी कर लें। खंड में स्वीकार्यता जिसकी ज्यादा होती है, पॉपुलरिटी जिसकी होती है, जिसके पास ज्यादा होता है, साधना की शक्ति जिसके पास अधिक होती है, उसके निंदक भी होते हैं और निंदा ऐसे ही करते हैं अज्ञानता में। उनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, ना खुद के बारे में, ना दूसरों के बारे में, ना धर्म के बारे में, ना किसी विषय विशेष के बारे में। तो वो, तो वो चुनाव में, चुनाव के लिए आते हैं, क्षणिक आते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह बोल के चले जाते हैं, केवल अपने चुनावी एजेंडे को पूरा सिद्ध करना चाहते हैं बस। इनके पास शक्तियां आई, ये पॉपुलरिटी मिली, स्वीकारता इनकी बढ़ी, समाज इनको स्वीकार करने लगा, इनकी शक्तियों को पहचानने लगा, इनकी साधना को महत्व देने लगा, लोगों को पीड़ा होने लगी। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई शक्तियां नहीं है। कौन लोग, वो कौन से मानक है? नो, मौर्या है, उन्होंने कहा है कि वो कौन से, वो धरती के मानक है, अध्यात्म के मानक है, वो आध्यात्मिक पुरुष है, वो कौन है, वो क्या जानकारी है उनकी? पार्टी के नेता है। अरे हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी बोलेंगे तो वो सही है, आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार नहीं कर रहा मैं, ये आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ, बिकॉज आप डिबेटिंग। रिएक्शन ये है कि अज्ञानता है, वो थोड़ा सा कुछ जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ लोगों को उन्होंने एक चौपाई भुना लिया, ढोल गवार सूद्र पशु नारी शकल ताड़ना, उसका अर्थ नहीं जानते, ना जानते हैं, ना जानने की जिज्ञासा है, ना प्रयास किया उन्होंने। देखिए ये तारण से है, उसका अर्थ तारण से है। जब किसी समाज में आप ढोल है तो ढोल धमक धमक पीटेंगे, पीटने का मतलब नहीं, सप्त स्वरों से मतलब है। जब तक आप स्वरों को वो नहीं करेंगे, स्वरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा, तब तक ढोल स्वरों में कैसे चलेगी? कोई भी साज है, संगीत का वाद्य यंत्र है, वो स्वरों में चलेगा ना। नारी है तो यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, इज्जत होती है, सम्मान होता है, देवता वहां वास करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग चीजें बना ली, अपने ग्रंथ, क्यों ना बनाऊं भाई, मैं सनातन का हूँ, सनातन मेरा है, मैंने वो किया है, मैं उसको कंधा हूँ, क्यों ना करूँ सनातन की, वो क्यों निंदा करूँ मैं सनातन की, क्यों करूं मेरे भाई? की बातें कर रहे हैं आप, हम लोग कहां जाएंगे? हिंदू क्यों, कौन था यहाँ पे? हिंदू ही तो था, आदि पुरुष कौन है? हिंदू ही तो था, बाहर से आया कौन, आक्रमण कौन किया, हमको परेशान क्यों, कौन किया? आप बताइए, आप भी प्रबुद्ध है, समाज के चतुर्थ स्तंभ है, मैं गलत कह रहा हूँ? आप भी बताएं ना। नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता, जनता यही कह रही है, जनता यही कह रहा है, अज्ञानता है, किसी एक छोटे से वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनके वोट बैंक को पाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, हमारे शास्त्रों पे जो है सीटा कैसी करेंगे, हमारे धर्म पे सीटा कैसी करेंगे, प्रतियां जलाई जा रही हैं, राम घोर अन्याय है और घोर अपमान है, इसको दंड, इसका दंड मिलेगा, जनता इसको इसका जवाब देगी, क्या जानते हैं आप? इसको कहने से ही वो थोड़े हो जाएगा, जनता इसको बहुत कायदे से समझ रही है और उसको जवाब देगी समय आने पर। जनता जागरूक है, मूर्ख नहीं है, समझदार है। जी, किसके साथ? गुरु जी के साथ जुड़े रहेंगे, बिल्कुल जुड़े रहेंगे, कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र निर्माण में जो भी सहयोगी होगा, हिंदू सनातन परंपरा और हिंदू उसके साथ रहेगा। लास्ट में विरोधियों को यही कहूंगा कि भगवान उसको, उनको सद्बुद्धि दे और सही मार्ग पर आ जाए, उनका भी सम्मान बचा रहेगा और हिंदू उनको स्वीकार कर लेंगे। हिंदू उनको दे रहे हैं चैलेंज, कौन? श्याम मानव नागपुर से, हाँ, कह रहे हैं हमारे यहाँ पे आ जाओ और हमारे यहाँ पे चीजें, बहुत जनता।
नहीं वो तो सब एक ही है एकम जी के पास। श्याम मानव को गुरुजी ने बुलाया कि न हम वहाँ आएंगे नागपुर और न तो यहाँ रहेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर, चले आइए भैया। हम कहते हैं देखिए एक बात है, गुरुजी को अगर कहा जाता है कि ये ढोंगी हैं, प्रपंची हैं, छलिया हैं, धूर्त हैं, गद्दार हैं, अगर ये कहा जाता है तो उनके सामने आकर के दूध का दूध पानी का पानी कर लें, किसी को विश्व में से किसी को बुला के ले आए। गुरुजी बता देंगे आपके बाबा का क्या नाम था, ना आपके पेट में कौन सी बीमारी थी। जब गुरुजी सब बताने के लिए तैयार हैं तो देखिए भैया ऐसा है कि ये हर युग में रहा है, ये निश्चर जो हैं ये उत्पात मचाते हैं और धर्म अपना काम करता है। बिल्कुल जुड़े रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। जितने लोग यहाँ हैं सब गुरुजी के साथ में हैं, रहेंगे और आने वाला समय भी रहेगा उनके साथ में। जितने